हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी रिलीज हो चुकी है और इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक भी अगर लिस्ट आती है तो उनके अंदर क्या मार्क्स रह सकते हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं। मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँ उसके पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मतलब जब आप वेबसाइट देखते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, जब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करते हैं वहाँ पर आपको दो रोज दिखाई देती है, उनमें एक में दिखाई देता है इंटरनल और एक में दिखाई देता है एक्सटर्नल। उससे कई बच्चों की एक क्वेरी है किसी भी कोर्स के लिए हो चाहे वो, कि यहाँ पर इंटरनल क्या रिजर्वेशन है। तो जहाँ तक मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखें तो उसमें कहीं भी इन्होंने इंटरनल रिजर्वेशन की बात नहीं की हुई है। यानी कि अगर इंटरनल रिजर्वेशन है भी तो ये नहीं पता है कि कितना परसेंट इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। जैसे DU के केस में और BHU के केस में साफ है कि 50% DU वालों को या 50% BHU वालों को होता है, वैसा यहाँ पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, है ना। तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता कि इंटरनल रिजर्वेशन कितना है अगर है तो, और हो सकता है पहले ये रिजर्वेशन चला करता हो, अब नहीं हो, तो अभी उसको लेके कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इंटरनल रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। इंटरनल रिजर्वेशन का सीधा सा मतलब है जो बच्चा पढ़ा हुआ है कहाँ से, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से, या फिर किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में काम करते हों, तो उनका कोई बच्चा हो, उनको यहाँ एडमिशन लेना हो, तो इस तरह से होते हैं इंटरनल रिजर्वेशन। अब उसकी कोई भी इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो उसको लेके मैं क्लियर नहीं हूँ और मैं उसको लेके कुछ भी आपको नहीं बता सकता। तो जो मैं ये कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं तो ये 100% मान के कर रहा हूँ कि 100% एक्सटर्नल जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए है। अब अगर इंटरनल रिजर्वेशन होता है तो जो मैं कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें आप 10-10 नंबर बढ़ा दीजिएगा ना, 10-10 नंबर या 15 नंबर इंक्रीज कर देना अगर है तो, और नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ लगभग उसके पास ही चलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करें तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले हम UR की बात कर लेते हैं, UR की जो लिस्ट है उसमें क्या कट ऑफ है। तो केमिस्ट्री का एज वी नो, हम सबको भी ये पता है कि केमिस्ट्री इस बार बहुत कम नंबरों पे भी अच्छे खासे कॉलेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 200, 186, 182 ये हाई मार्क्स है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। बाकी अगर अदर कोर्सेज की बात करें, फिजिक्स की बात कर लें, जूलॉजी, तो उनके हिसाब से तो ये नंबर कम है, परंतु अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इतने नंबर, बहुत सारे नंबर हैं इस बार। ये मतलब किसी के नंबर 200 हैं तो वो बहुत अच्छे नंबर लेके बैठा है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है केमिस्ट्री में 65, जिसमें से UR के पास है 26 सीट। पहली जो लिस्ट आएगी उसमें जो कट ऑफ रहने चाहिए मेरे हिसाब से वो अराउंड 148 या 147 मार्क्स तक होनी चाहिए, और उसके बाद खाली जाएगी, क्योंकि इतने मार्क्स वाले बच्चों को आराम से DU में, BHU में एडमिशन मिल गया होगा इस बार, या BHU में तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बार, तो DU में कम से कम एडमिशन मिल गया होगा, BHU में भी पूरे चांस है और HU में भी इनको एडमिशन मिल सकते हैं। तो ये 26 जो शुरू वाले हैं या शुरू वाले 28, इनको तो भूल जाओ आप, ले तो दो तीन बच्चे एडमिशन ले तो ले, उसके बाद सीधे आ जाओ आप। तो ये उसके बाद सेकंड जो लिस्ट आएगी उसमें कम से कम 142 मार्क्स तक जानी चाहिए। थर्ड लिस्ट में ये करीबन 132 तक पहुँचेगा। फोर्थ लिस्ट के अंदर ये अराउंड 124 तक आ जाएगा, और उसके बाद फिफ्थ भी चलेगी केमिस्ट्री में तो उसके बाद ये आराम से 119 तक आपको देखने को मिलेगा फिफ्थ लिस्ट में विश्व भारती में। अगर मैं बात करूं ये कौन सी है कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 17 सीट्स हैं, टोटल 17 सीट्स हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो शुरू के 17 सीधे ओबीसी में फर्स्ट लिस्ट के अंदर, जिसमें से एडमिशन शायद चार पाँच ही होंगे। फिर नेक्स्ट पकड़ लो आप जो कट ऑफ ओबीसी में देखने को मिल सकती है आपको 105 नंबर तक या 103 नंबर तक ओबीसी में नेक्स्ट कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद थर्ड लिस्ट में ओबीसी में आपको ये कट ऑफ अराउंड 85 मार्क्स तक देखने को मिलेगा। फोर्थ लिस्ट में ओबीसी में ये कट ऑफ आपको 78 मार्क्स तक देखने को मिलेगा, और अगर फिफ्थ जाती है तो इसमें 65 नंबर तक आराम से आ जाएगा ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 7, तो फर्स्ट लिस्ट में तो 134 तक आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड लिस्ट में अगर बात करें तो ये 96 तक, और अगर थर्ड लिस्ट आती है तो थर्ड लिस्ट में आपको ये 74 मार्क्स तक देखने को मिलेगा EWS में, और फोर्थ आती है तो फिर ये 52 वाले का नंबर भी आराम से आ जाएगा। SC में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 10,
तो फर्स्ट लिस्ट में आपको जो मार्क्स देखने को मिल सकते हैं वो 91 तक फर्स्ट लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं, 94 तक, सॉरी 91 तक नहीं, हाँ 9, 1, 2, तो उसमें चले जाएंगे जनरल में, फिर फर्स्ट में ये 91 तक आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा, सेकंड में 142 उसमें चला जाएगा, 94 सेकंड में, 84 तक आपको देखने को मिलेगा, थर्ड में करीबन ये दिखेगा आपको 72 तक, और फोर्थ में अगर आती है तो ये 50 नंबर तक आएगा ना, उसके नीचे फिर वो लास्ट में फेल हो सकते हैं, चांसेस हैं उनके भी हो जाए। एसटी में बात करूँ तो 5 सीट है, 5 सीट में से पहली लिस्ट में तो आपको 85 तक देखने को मिलेगा, जिसमें से शायद ही एडमिशन हो, 2 सीट 3 सीट तो खाली जानी चाहिए कम से कम, फिर सेकंड लिस्ट में आपको 72 तक, और थर्ड में आपको ये 64 या 60 तक देखने को मिलेगा एसटी के अंदर। ये मैंने सारा एक्सटर्नल मान के किया है, इंटरनल रिजर्वेशन अगर है, अगर आपको कुछ पता है कितना परसेंट इंटरनल रिजर्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी आपको मार्क्स बताए उन्हें 15-15 नंबर बढ़ा देना अगर इंटरनल रिजर्वेशन है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।